हेलो कोई स्वागत आप सभी का हमारे बीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन स्कैन क्यू कोड प्रॉब्लम के बारे में अगर आप भी फ़ोनपे एप्लीकेशन को यूज करते हो और आप भी किसी को स्कैन करके पेमेंट कर रहे थे लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है अन अवेलेबल टू वेरीफाई द क्यू कोड इधर पर लिखा हुआ है और कुछ इस तरह का एरर आ चुका है तो आज की इस वीडियो पर मैं इस वाली प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये वाली प्रॉब्लम किसके तरफ से रहती है जिसका क्यू आर कोड है उसके क्यू आर कोड में प्रॉब्लम है या आपके फ़ोन पे में प्रॉब्लम है आज की इस वीडियो पर मैं आपको यह भी बताऊंगा और इस वाली प्रॉब्लम का 100 परसेंट मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाने वाली है तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना अगर आप ही चैनल में पहली बार आऊँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल दबा देना तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू कर जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है एंड मैंने ये एक स्क्रीनशॉट ले रखा है तो मेरे सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आई थी और मैंने इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व भी कर दिया है तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ठीक है किस तरह से मैंने सोल्व भी किया है तो सबसे पहले हम जानेंगे गे यह वाली जो प्रॉब्लम आती है वो किसके तरफ़ से है? जिसका क्यू आर कोड है उसके तरफ़ से है या फिर आपके फ़ोन पे की तरफ से है तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाली प्रॉब्लम है उसके क्यू आर कोड में ठीक है ये आपके फ़ोन पे में प्रॉब्लम नहीं रहती है उसके क्यू आर कोड में रहती है उसका जो क्यू आर कोड रहता है वो वेरीफाई नहीं रहता है ठीक है तो उसको क्या करना होगा उसको अपने क्यू आर कोड को वेरीफाई करना होगा अब आपने किसी का भी क्यू आर कोड मंगाया था फ़ोनपे एप्लीकेशन का अब आपने क्यू आर कोड मंगाया किसका अपने फ्रेंड का या अपने फैमिली मेम्बर किसी का भी कि हम आपको पेमेंट कर देंगे स्कैन करके ठीक है तो आपने इसके लिए मंगवाया लेकिन स्कैन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल से क्या करना आपको उनसे बोलना है कि आप अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करो और फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाओ और अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करो और बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट को अनलिंक कर दो ठीक है जब वो बैंक अकाउंट को अनलिंक कर देंगे तो उनसे बोलना कि अब आपको क्या करना ऐड बैंक अकाउंट पर जाना है और उसके बाद आपको फिर से बैंक अकाउंट को ऐड करना है ठीक है जब वो बैंक अकाउंट को फिर से ऐड कर लेंगे तो ऐड हो जाने के बाद उनसे बोलना है कि अब नया वाला क्यू आर कोड जनरेट हुआ होगा ठीक है तो जैसे आप देख सकते हो तो बैंक अकाउंट फिर से ऐड हो चुका है ठीक है अब आपको उनसे बोलना है कि जो क्यू आर कोड है अब फिर से नया बन गया होगा तो क्यू आर कोड वेरीफाई हो जाएगा ठीक है तो आप फिर से जो क्यू आर कोड नया बना है उसका आपको स्क्रीन शॉट लेना है और जब वो आपको स्क्रीन शॉट दे देंगे तो आपको अब आप पेमेंट करके देखना आपकी प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट सोल्व हो जाएगी कुछ इसी तरह से मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी तो फिर मैंने उनका क्यू आर कोड जब फिर से बनाया मतलब कि बैंक अकाउंट अनलिंक करा फिर लिंक करा क्यू आर कोड नया बन गया और उसके बाद जो पेमेंट होने लगी तो कुछ इस तरह से आपकी प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करना आज की वीडियो नहीं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय